विवाद के जरिया में आज आरोपी की गिरफ्तारी और नियोजन की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों डिगवाडीह सिंदरी मुख्य मार्ग पर 40 वर्षीय प्रमोद यादव ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने उसके शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबी जाम लगी रही। धनबाद के बलियापुर में पुलिस की हैवानियत सामने आई है। बलियापुर थाना प्रभारी ने एक युवक को बिना किसी आरोप के जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने अपने शिकायतवाद में सूबेदार यादव, दरोगा नीलेश कुमार व मुंशी मोहम्मद सिराज के विरुद्ध जानलेवा हमला व छेड़खानी का आरोप लगाया है। धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत में दायर शिकायतवाद में करिश्मा ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को बलियापुर के दरोगा नीलेश कुमार सिंह ने उसके पति राहुल कुमार सिंह को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बलियापुर शाखा से जबरन उठा लिया था और उसकी पिटाई कर दी। राहुल सिंह का मामला कुछ हम नहीं जानते हैं सर कि क्या था नहीं था जो, बट उनको हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बट उनको हम लोग पैसा निकालने के लिए SBI बैंक भेजे थे, वो उस टाइम से फिर घर नहीं आए, तो हम लोग आस पड़ोस मोहल्ला से पता चला कि उनको थाना में ले गया है। वो 9 तारीख को 11 बजे सुबह। उसके बाद हम लोग गए थाना, तो नीलेश कुमार सिंह उठाकर ले गए थे मेरे पति को। फिर वहाँ पे गए तो हम लोग पूछे कि सर क्या मामला है, क्या किस बात के लिए आप उठा कर लाए हैं मेरे पति को, क्या बात है। तो नीलेश कुमार सिंह बोले कि देखिए कोई बात नहीं है, पूछताछ के लिए हम बुलाए गए। तो हम बोले किस मैटर में लाए हैं, क्या बात है। तो कुछ बोले कि आपका पति क्रिमिनल है, बहुत बड़ा मतलब सप्लाई करता है ये सब वो सब। जो हम बोले कि देखिए ऐसा कुछ मामला है नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बोले कि नहीं, पत्रकार को गोली लगा है, उसमें इसका हाथ है, इसीलिए हम उसको पूछताछ के लिए शक के आधार पर उठा के लाए हैं, शाम तक छोड़ देंगे हम पूछताछ करके। लेकिन फिर हम लोग देखें कि ठीक है शाम तक छोड़ने बोले हैं, छोड़ देंगे। फिर शाम तक कोई ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया कि वो छोड़ने गए, नहीं छोड़े वो। फिर हम लोग रात में वहीं पे रहें, रात में हम लोग खाना लेकर के मतलब वहाँ पे गए, खाना वाना कुछ ले अंदर नहीं ले जाने दिया। उसके बाद फिर जब अंदर गए तो मतलब 11 बजे शायद। तो हम लोग मतलब पति को पूरा ब्रह्मी तरह से मतलब पूरा बुरा तरीका से पीट रहे थे, वो चिल्ला रहे थे पूरा। तो कोई भी वाइफ रहेगी वो तो जाएगी ही, मेरा पति को इतना चिल्ला रहे हैं किस लिए पीट रहे हैं। तो ये सूबेदार यादव और नीलेश कुमार सिंह और ये क्या बोलते सिराज मुंशी, तीनों थे वहाँ पे मौजूद थे। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला गाड़ी लगाने को लेकर स्थानीय लोग और अवैध कोयला कारोबारियों के गुर्गों से भिड़ंत हो गई है। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज धनबाद के PMCH में चल रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने आज धनमा बांधोफी का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला खानों को बंद कराने की मांग को लेकर थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किया गया फायरिंग करते हुए का भीड़ का तितर बितर करके और हॉकी स्टिक से मारा गया, कट्टा से मारा गया। कितना आदमी आप लोग गए थे? हम लोग यहाँ से गए थे 200 आदमी, 200 महिलाएं भी थी क्या? महिलाएं भी थी। उन लोगों के साथ भी मारपीट हुआ? उन लोगों के साथ भी मारपीट हुआ है। उन लोग जो मारपीट कर रहे थे कितना आदमी थे? उन लोग जो 40 से 50 के संख्या में थे। आपको कितना लोगों के द्वारा मारा गया? हमको 5-6-7 आदमी के द्वारा मारा गया। क्या चीज से मारा, फरार किया? हॉकी स्टिक से मारा, डंटा से मारा। ये कारण क्या है विरोध करने का? ये विरोध करने का कारण ये है कि कल हमारा बाड़ू घुटू गांव के दो लड़के को मार करके इंजर्ड कर दिया है और वो दोनों लड़का अभी हॉस्पिटल में है। क्या कुछ को लेके मारा? विवाद शुरू कैसे? विवाद ये लोग आ रहा था मनसा पूजा खा करके, रास्ता में ये लोग गाड़ी लगा रहा था। गाड़ी जैसे लगा तो लड़का लोग बोला कि भाई कौन गाड़ी है तो देखें, वो लोग रुक गया। रुकने के बाद जो है इन लोग के पास ऊपर सीधा प्रहार किया गया। आज भी जो ट्रक 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 लगा था कोयला लोडिंग के लिए, अवैध कोयला था, अवैध कोयला लोड था। माइंस भी चलता है एकदम ओपन माइंस चलता है। अभी जो मारपीट हुआ, गोली बम चला, ये क्या ये पुलिस के सामने हुआ? पुलिस के सामने हुआ। धर्मा बाबू और सोना DOP दोनों बड़ा बाबू के सामने मारपीट हुआ है, गोलीबारी हुआ है।